इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शाम के 7:30 बजने वाले हैं, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर आई हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार, आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसका यूपी और चुनाव विधानसभा चुनाव के इलेक्शन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। बिना देर किए सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों के साथ हम करते हैं शुरुआत, क्योंकि सबसे पहली खबर भी पंजाब से है। अकाली दल ने 2022 चुनाव की प्लानिंग सेट कर दी है, कैसे इसकी डिटेल आपको बताऊंगी। अकाली दल ने यह बता दिया है कि बीएसपी के साथ मिलकर वो कांग्रेस और बीजेपी को किस मुद्दे पर पटखनी देने वाली है। अकाली का क्या है 2022 फतह करने का फॉर्मूला, डिटेल थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर पंजाब से, सिद्धू कैप्टन विवाद क्या नहीं सुलझा, 36 घंटे में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा, और क्या पंजाब में कांग्रेस इस हालात में चुनाव लड़ेगी। विधायकों में भारी भ्रम की स्थिति है, 10 जनपद की ओर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नजर है। पंजाब कांग्रेस के अंदर खाने की पूरी डिटेल थोड़ी ही देर बाद। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, बीजेपी ने यूपी चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और योगी यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी करने वाले हैं। इस विस्तार से जाति समीकरण सेट करने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कौन बन सकता है मंत्री, बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर पंजाब से, सिद्धू और कैप्टन के बीच क्या खेल चल रहा है, इस पर हमारे पास बड़ी खबर आई है। उसे बताने से पहले अकाली दल और बीएसपी की रणनीति की बात। कांग्रेस घर के झगड़े में उलझी हुई है। अकाली दल और बीएसपी पंजाब में चुनावी मुद्दा सेट कर चुकी है, जिसकी बानगी आज संसद में दिखाई दी। अकाली दल किसान आंदोलन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और अकाली दल और बीएसपी सांसदों ने हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया और काले कानून को वापस लेने की भी मांग की। सुखबीर सिंह बादल ने आज किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक भी किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया है और किसानों की बात सुनना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिद पर अड़े हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। अकाली दल के इस प्रोटेस्ट के पीछे कितना किसान प्रेम है, कितनी सियासत, पूरा गणित समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुखबीर सिंह बादल को सुन लेते हैं। पिछले साल से किसान, देश के किसान धरने में बैठे हैं, तूफान का सामना कर रहे हैं, बारिश का सामना कर रहे हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं, पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री बात करने की बजाय उनको अपने हालत पे छोड़ा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है कि किसानों की बात सुने, पर जो जिद पकड़ी है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के प्रति है और किसानों का अपमान हो रहा है। अब सवाल है कि अकाली 22 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे हैं और अब उसी से इतनी हल्की क्यों है। दरअसल जब से अकाली दल पंजाब की सत्ता से बाहर हुआ है, तब से वो एक बड़े मुद्दे की तलाश में है। जब केंद्र की सरकार किसान बिल लेकर आई और पंजाब से जब विरोध के सुर उठे, तो अकाली दल को लगा कि किसान ही है जिनके कंधे पर बैठकर दोबारा पंजाब की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। और यही वजह थी कि सितंबर 2020 में किसानों के मुद्दे पर ही 22 साल पुराना गठबंधन भी टूट गया। दिल्ली से लेकर पंजाब, अकाली दल किसानों का खुद को किसानों का सबसे बड़ा हिमायती बता रही है। अब लड़ाई एक एक वोट की है, लिहाजा अकाली दल किसानों को लुभाने में भी जुटा हुआ है। जरा पूरे पंजाब का सियासी इक्वेशन अब आप समझिए, क्योंकि पंजाब की आबादी जहां 2 करोड़ है, करीब 12 लाख किसान हैं, सिख 58% और हिंदू 38%, 32% दलित भी हैं। अकाली दल ने इस बार बीएसपी से गठबंधन किया है और अकाली दल का ये मानना है कि सिख, हिंदू, दलितों के बीच मौजूद 12 लाख किसान के वोट पर पक्की मोहर लग जाए और वो इन सबके कॉम्बिनेशन से दोबारा सत्ता तक पहुंच जाए। अकाली दल किसान वोटर तक यही मैसेज भी पहुंचाना चाहती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सांसद हरसिमरत कौर की इन बातों को सुनिए और समझिए। कांग्रेस पार्टी को लोगों की परवाह ही नहीं है, ना किसानों की परवाह, उनकी दुख तकलीफ की परवाह, ना आम जनता की जो बिजली के कटों से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, नशे घर घर पहुंच गए हैं, मुलाजिम सड़कों पे उतरे, डॉक्टर टीचरों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को और उनके जितने भी, चाहे सिद्धू हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे कोई एमएलए, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनकी लड़ाई सिर्फ चल रही है
कुर्सी कैसे बचाएं, राजे को हटाएं, किसी और को बैठाएं। वो सोचते हैं कुर्सी की अदला बदली किसी की करके तो जो पिछले 4.5 साल के वादे हैं उन सब पे पानी फिर जाएगा। इनकी गलत फहमी है। आज पार्लियामेंट के अंदर देखिए, जब ये कानून आए थे तब भी ना सोनिया जी थी ना राहुल जी थे और कांग्रेस ने आम आदमी ने वॉकआउट किया था। आज भी जब किसान कह रहे हैं मुद्दे उठाओ, ये श्रोमणी अकाली दल यहाँ पे खड़ा है, आप देखिए और किस पार्टी ने इसको उठाया है। पंजाब में 60% से ज्यादा आबादी किसानों पर निर्भर है, जिसमें किसान, बीज बेचने वाले, आढ़ती सब आते हैं और ये वोटर भी हैं। इसलिए किसानों को लेकर सभी पार्टियां संजीदा हैं। लेकिन जिस तरह से अकाली दल किसानों को किसान विरोध बताने की अब रणनीति पर काम कर रहा है, वो नए नवेले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए बड़ी अब चुनौती साबित हो सकता है, जिसकी तस्वीर आज नवा शहर में भी दिखाई दी, जब सिद्धू अमृतसर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे। और जब वो मत्था टेकने जा रहे थे तो नवा शहर के ही शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ गला में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जब वो पहुंचे, उसी दौरान कीर्ति किसान यूनियन की तरफ से ही जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और इसका सामना सिद्धू को करना पड़ा। हालांकि भगत सिंह के गांव आकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यक्रम को सियासी स्टंट बताया जा रहा है। और किसानों ने यह भी कहा, जहां एक और दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की जान जा रही है, वहीं हमारी मांगों पर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो यह भी जा रहा है कि सिद्धू को कांटों भरा ताज मिला है और कांटा कोई और नहीं, अपने हैं। सिद्धू कैप्टन में भीतर ही भीतर अब ठन चुकी है और पंजाब कांग्रेस में भले ही हाईकमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर खींचतान को खत्म मान लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 36 घंटे के बाद भी 36 का यह आंकड़ा बरकरार है। अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन सिद्धू में कोई संवाद नहीं हुआ है और अभी तक ना सिद्धू ने पहल की है और ना ही कैप्टन की तरफ से कोई हिंट मिला है। हालांकि विधायकों का यह कहना है कि मामला 10 जनपद से ही सुलझेगा। अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि जब तक सिद्धू विवादित ट्वीट करने को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक मुलाकात संभव नहीं है। इस पर सिद्धू कैंप की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, उल्टे सीएम पर ही हमला बोल दिया गया है कि माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जनता के वादे पूरे नहीं किए हैं। अब जालंधर के विधायक और सिद्धू के खास परगत सिंह ने बड़ी बात कह दी है, क्या कहा सुनिए। कोई गल नहीं, हो जूगा, क्योंकि मैनू लगता घरेलू मसला हौली हौली हल हो जाएगा। देखो इदा बहुत कुछ कहा जाता हों, मैनू लगता फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लोगों को पहला माफ़ी मंग लेनी चाहिए है, क्योंकि जेडे काम की गल है ना, सानू काम करन दी जरूरत हैगी आ। सो इस करके इन चीज़ों बहुता कुछ प्यार नहीं है और इहदा विच्चों निकलना कुछ नहीं है। पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और योगी सरकार में 6 मंत्रियों की जगह खाली है। माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण का खास ध्यान रखा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 4 MLC के मनोनयन के बाद ही योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। अब मंत्रिमंडल विस्तार, इसकी जरूरत अभी क्यों पड़ रही है जबकि चुनाव में सिर्फ 7 से 8 महीने का ही वक्त बाकी है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी इसी एक्सपेरिमेंट से ही कईयों की नाराजगी को दूर करना चाहती है और अब बीजेपी करने क्या जा रही है उसका पूरा खाका भी तैयार हो गया है। विधान परिषद में 4 सीट पर बीजेपी का मनोनयन करना है और इसके लिए यूपी से 10 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द इन नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा और इसी महीने यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। एमएलसी के मनोनयन के लिए पहले यूपी से 5 नाम भेजे गए थे लेकिन केंद्र ने और नाम भेजने को कहा, अब 10 नाम भेजे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद का नाम कन्फर्म माना जा रहा है जबकि निषाद पार्टी के संजय निषाद को भी जगह दी जा सकती है। 6 मंत्रियों की जगह खाली है लेकिन कितने मंत्री बनाए जाएंगे इसकी अभी पूरी डिटेल आना बाकी है। इसी पूरी कवायद को जाति समीकरण को साधने की कोशिश माना जा रहा है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि अगर जितिन प्रसाद और संजय निषाद को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो उसका पॉलिटिकल मतलब क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मण नाराज बताए जा रहे हैं और जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के नेता हैं और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जाएगी। करीब 100 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों का डायरेक्ट असर है। मथुरा में 17% है ब्राह्मण और बनारस में 16% है। 15% से ज्यादा वोट वाली सीट करीब यहां 16 जिले ऐसे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद मोदी कैबिनेट
कैबिनेट में जगह की आस में थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। अब मंत्रिमंडल में उनकी जगह बनाकर उनकी नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी मानती है कि यूपी के चुनाव में निषाद को नाराज करना भी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि निषाद वोटर्स जहां 100 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं, प्रदेश में करीब 4% निषाद वोटर हैं और गंगा किनारे के करीब 16 जिलों पर इनका डायरेक्ट असर भी है। हालांकि 2017 की भी बात करें तो पीस पार्टी के साथ 72 सीट पर ये लड़े थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिल पाई थी और लोकसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की गोरखपुर जैसी अजेय सीट पर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद जीत गए। अब यूपी में चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या किया है, क्या बड़ा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, डिटेल। यूपी में हर पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। ब्रेक से पहले मैंने आपको बीजेपी की स्ट्रैटेजी बताई और बीजेपी लगातार अपनी रणनीति पर भी काम कर रही है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यूपी में जीत का फॉर्मूला क्या बताया, सुनिए। 5 साल चल चुकी होगी तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, उसका मुकाबला कैसे करें? नहीं, वो नहीं हमारे खिलाफ इसलिए नहीं है कि जो विरोधी हमारे हैं वो ट्विटर पे राजनीति करते हैं, हम लोग जमीन पे राजनीति करते हैं। हम मायावती या ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं, तो आपको लगता है कि उसका फायदा बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण मोटे तौर पे बीजेपी को ही वोट करता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने कहा ना कि चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, मतलब यह त्रिवेणी सदा भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ है और 2022 में भी भाजपा के साथ रहेगी। कोई राजनीतिक दल क्या सम्मेलन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे भाजपा की सेहत पे कोई असर इसलिए नहीं पड़ता है कि हम उनको जानते हैं कि वो हमसे कितना लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, इसलिए 300 से ज़्यादा सीटें जीतना मैं मुश्किल नहीं समझता हूँ। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। अब बने रहे हमारे साथ, 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी चुनाव चालीसा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।